कानून का शासन। कानून का शासन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है। कानून के शासन से आशय है कि कोई भी सरकार सभी कार्य कानून के अनुसार करे तथा ऐसे कार्य नहीं किए जाएं जो कानून के अनुसार ना हों। कानून के शासन का यह भी अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर सारे कानून समान रूप से लागू होंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं को सामान्य नागरिकों की तरह कानून का पालन करते हुए न्यायालय में जाना पड़ा। उन्हें आम नागरिकों की तरह ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। कानून का सम्मान। लोकतंत्र में हम ऐसी संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जो संविधान या निर्धारित कानून के अनुसार कार्य करती हैं। किसी को भी कोई गैर कानूनी कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस भावना का सम्मान ही कानून का सम्मान करना है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों व स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। न्यायालय की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उसके आदेशों का पालन करना शासन और नागरिकों का दायित्व होता है। मानव अधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार वे आवश्यकताएँ हैं जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा जीवन में विकास के लिए जरूरी हैं। इन अधिकारों के बिना लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ऐसे अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को प्राप्त होते हैं। दूसरे अर्थों में यदि लोगों के अपने विचारों को व्यक्त करने, विभिन्न विषयों पर बहस करने, बातचीत करने, संगठन बनाने और अन्य मानव अधिकारों द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार। अधिकांश देशों में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग, क्षेत्र, लिंग या राजनैतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की जनसंख्या कम होती है। इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अधिकतर देशों में बहुसंख्यकों का शासन होता है, परंतु लोकतंत्र के अर्थ में एकरूपता नहीं है। लोकतंत्र समाज में तरह तरह की विविधताओं को स्वीकार करता है, इसलिए अल्पसंख्यकों के मत या राय का सम्मान करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है। अतः अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा कई अधिकार दिए जाते हैं। लोकतंत्र और समावेशीकरण। लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी। अलग अलग विचार होने पर भी हम बहुमत से लिए गए निर्णय मान लेते हैं। कई मायनों में यह उपयोगी और सरल तरीका है, परंतु कुछ मुद्दों में यह समावेशी सिद्ध नहीं होता है। अल्पसंख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं। लोकतंत्र को समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। वे अपने आप को बेगाना न समझें। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। यह समाज की जातीय और भाषाई विभाजन कुछ इस तरह से है। 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच और थोड़े से लोग जो जर्मन भाषा बोलते हैं। वे प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच बोलते हैं। तीनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती थी, खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में जहां डच बोलने वाले कम हैं। ऐसी स्थिति में बेल्जियम में समाजों का समावेशीकरण करने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। संविधान ने शासन की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी हैं।
यानी राज्य सरकारें इन मामलों में केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। इस तरह हम देखते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने किस समझदारी के साथ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को शासन की प्रक्रिया में शामिल किया। लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए एक निश्चित सीमा के बाद चुनाव जरूरी है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोगों की भागीदारी व्यापक होने पर ज़्यादा पारदर्शिता आती है और नैतिक मूल्यों के कई उदाहरण सामने आते हैं। अलग अलग राय का समावेश किया जाता है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह बहुमत की राय की प्रधानता होती है। क्योंकि यह प्रणाली अधिक लोगों की भागीदारी पर निर्भर है, इसलिए समय लगता है, परंतु इससे किसी भी विषय के कई गुण दोष सामने आ जाते हैं और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हर फैसले में देरी होती है। चुनाव सुधार द्वारा यह खर्च कम किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में नागरिकों के हितों की सुरक्षा सबसे अधिक है। लोकतंत्र का निरंतर विकास हो रहा है। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, इसमें व्याप्त खामियां दूर होती जाएंगी। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया है। हमने देखा है कि अधिनायक तंत्र के तहत लीबिया के कर्नल गद्दाफी तथा म्यांमार के नेबिन जैसे सैनिक नेता किस तरह एक दल व एक नेता का शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वे किन किन तरीकों से शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लगातार उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अधिनायक तंत्र के विपरीत लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के शासन की कल्पना की जाती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि शासन के सभी कार्यों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। अधिनायक तंत्र एक दल और एक नेता की क्षमता पर विश्वास करता है। एक व्यक्ति का शासन कालांतर में निरंकुशता की ओर बढ़ता है और लोगों की उपेक्षा करता है। कर्नल गद्दाफी इसके उदाहरण है, जबकि लोकतंत्र में जनता के निर्णय की सामूहिक क्षमताओं पर भरोसा किया जाता है और माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग सामूहिक रूप से सही निर्णय ले सकते हैं। अधिनायक तंत्र में नागरिकों के अधिकारों व नागरिकों की गरिमा का कोई स्थान नहीं होता, जबकि लोकतंत्र नागरिक अधिकारों के बिना चल ही नहीं सकता। अधिनायक तंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं शासन की इच्छा पर निर्भर होती हैं, जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में स्वतंत्र प्रचार माध्यम मीडिया की भूमिका अहम होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता।